अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी तो रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं। दोस्त की तरफ जा रहे हैं, उसको कुछ सामान सामान पे देना था। अभी मैं निकल चुका हूँ घर से और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जाके बैठते हैं, थोड़ी देर गपशप लगाते हैं, कुछ चार बातें इधर की उधर करते हैं, कुछ खुफियों वाले काम करते हैं। मतलब किसी के साथ कोई हैंड हो गया तो उसने बता दिया, भाई आज तो भाई के साथ ये हैंड हो गया। किसी का दिन अच्छा रहा, उसने वो डिस्कस कर लिया, तो हम तीन चार लोग बैठे हुए होते हैं, गपशप होती है, कुछ चाय शाय पीते हैं और उसके बाद हम लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। आप कह रहे होगे यार इतने वेले लोग हैं ये, मतलब कभी इधर फिर रहा होता है, कभी उधर फिर रहा होता है। ऐसे भी कल भाई का पब्लिक हॉलीडे है तो कल ऑफिस से छुट्टी है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। खैर अभी तो इतने व्लॉग्स ही नहीं शेयर हुए और डेली की रूटीन भी उस तरीके से नहीं चल रही, लेकिन कोशिश होती है जितना टाइम मिलता जाए उस हिसाब से आपको और डे टू डे रूटीन और व्लॉग्स जो है वो शेयर करके भाई बताता जाए। अच्छा आगे देख के तो लोगों को लगता था कि भाई ये तो बच्चों वाला काम है, कैमरा पकड़ो बोलते जाओ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुश्किल काम है। आपने क्या बोलना, आपने क्या सोच समझ के सारी बातें करनी है, फिर जब आप वही रिकॉर्डिंग अपनी खुद सुनते हो तो भाई अल्लाह माफ करे, ऐसा लगता है कि पता नहीं किसको सुन लिया आपने। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर लिया। जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, एक्सपीरियंस है उनका और वो लोग कर रहे हैं, करना चाहिए। और मेरी तो कोशिश यही है कि अभी स्टार्टिंग की बेसिक चीजें सीख लें, उसके बाद कंटेंट को भी अच्छा इम्प्रूव करेंगे, कर भी रहे हैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा जितना समझ में आता जा रहा है। अब इसलिए थोड़ी सी चीजों के अंदर मुश्किलात आ रही हैं टाइम की। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आती है ना बे आती है, जो करना है खुद ही से करना है और टाइम निकाल के करना। और मेरा तो ये हाल होता है कि मैं कॉन्स्टेंटली किसी जगह पे स्टिक होकर बैठ नहीं सकता। चल झूठा लगाने, इट्स अ क्वाइट टफ जॉब। तो बस वो समझ लो कि वीडियो एडिट होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? डिले आ जाता है वीडियोस के अंदर। तो चलो यार चलते हैं, बहुत सारी बातें होगी, चलते हैं आगे का सीन दिखाते हैं। यार बातों बातों में तो एक सीन बताना ही भूल गया। अभी असल में मैं जा रहा हूँ जिस भाई की तरफ, मैं जा रहा हूँ भाई, ये गाड़ी उनकी तरफ पार्क होगी और उनकी गाड़ी में फिर हम जो है वो अपने बड़ी की तरफ जाएंगे। भी उनका भी एक चैनल है यहाँ पे मलेशिया में, जिसके अंदर जो लोग पाकिस्तान से या कहीं से भी मलेशिया मूव होना चाहते हैं, यहाँ पे इधर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आस्क जीके के नाम से एक चैनल है। तो गाड़ी हमने ओवरनाइट पार्क करनी है, उसके लिए फॉर्म आ गया, इसमें डिटेल्स फिल करेंगे और गाड़ी को हम अंदर पार्क करेंगे। लो जी, ये हमें पार्किंग पास मिल गया है, पर्ची भी मिल गई है, अब हम जाएंगे अंदर। तो यार ये अब हम निकल पड़े हैं, भाई ने हमें पिक कर लिया, हमने भाई को या भाई ने हमें, दोनों ने एक दूसरे को पिक कर लिया और ये अब हम जा रहे हैं। चीजें पकड़नी है और उसके बाद फिर सीधा हम लोग भाई साहब की छत पे जाके मिलते हैं आपको। के स्टोर भाई, यहाँ से हम लोग आए हैं, ठीक है जी। ये है सेटिंग की जगह, यहाँ पे कुर्सियां वगैरह लगा के बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं और कोई आ जाए और तो आ जाए। तो ये शुरू है, ये पूरी छत है, ये है बाहर के नज़ारे। चाय रखते हैं फिर उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से विजिट कराते हैं। यार ये अब हम यहाँ से उधर लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें दिल ने अच्छा नहीं लग रहा है ये इस जगह पे पड़ा हुआ ना। मैं भी जा रहा हूँ नीचे, खाना आ गया और कल छुट्टी है, 3-4 बज रहे हैं, तो खाने ऑर्डर कर लिया था ऑनलाइन, भूख लगी थी बड़ी सख्त किस्म की, तो मैं जा रहा हूँ खाना लेने के लिए। थैंक यू,
ये तो भाईजान खाना लेकर लिफ्ट के पास ही आ गए थे। ओके जी, वेलकम टू डे टू। और अभी फिर रात का टाइम हो चुका हुआ है। आज बनाना था व्लॉग लेकिन बस देखो टाइम बहुत टाइट था, फुटसेल के लिए गए थे तो बिल्कुल ही नहीं बना सके। पहुंचे हैं लेट तो नहीं खैर हो गए थे, टाइम से पहुंच गए थे लेकिन टीम ज्यादा थी इस दफा, तो मैच थोड़े दो तीन थे। तो अभी फिर से मैं जा रहा हूँ उनकी गौर भाई की तरफ जिनके पास हम लोग कल रात को गए हुए थे। अब वीकेंड है, ऑफिस से छुट्टी है, तो वो पहले नीचे से दूध ले आए। ओके जी, तो बस अब निकल पड़ा मैं घर से, बैग पहन लिया। अच्छा, बैग यहाँ पे बहुत जरूरी है। एक तो पासपोर्ट आपको कैरी करना पड़ता है, दूसरा वेदर ऐसा है कि यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह जेब में पड़े होते हैं या पैसे वगैरह रखे होते हैं वो गीले हो जाते हैं, तो उस वजह से वो ख़राब होने का डर होता है। तो अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त एक मॉल में गया था यहाँ पे, तो उसने इसी तरह जीन्स के अंदर पैसे रखे हुए थे, बड़े मजबूत में जेब कट गई उसकी। डेविड बेकहम आया था यहाँ पे और उसका कोई किसी शॉप की ओपनिंग थी, वो नया मॉल बना है यहाँ पे, तो उसकी ओपनिंग के लिए वो आया था और वहाँ पर ओवर क्राउडेड हुई थी जगह, तो उधर भाई साहब कहीं खड़े हुए थे। तो पहले उनको डाउट हुआ कि इसने ये किया हरकत, तो उन्होंने जिप से बंद कर ली, लेकिन उसके बाद भाई बंद ने जिप खोली और ये जा वो जा, तो इसकी बैग कैरी करना बहुत जरूरी है यार। अभी जो है वो ग्रैब का वेट कर रहे हैं हम। गाड़ी आ चुकी है, ये आ गई है, तो हम गाड़ी में बैठने लगे हैं। तो जी गाड़ी हमारी आ चुकी है, हम फ्यूल डालने लगे हैं और साथ में आपको बताते हैं कि यहाँ पे फ्यूल के लिए जो बंदे हैं वो कितने होते हैं। और बंदा फ्यूल भरने वाला मैं दिखाता हूँ आपको, ये है बंदा फ्यूल जो भर रहा है, नहीं यहाँ का लोकल पेट्रोल पंप है पेट्रोनास। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, वेलकम टू डे थ्री, गुड मॉर्निंग। और क्रिकेट के लिए रेडी होके जा रहे हैं, अभी मैं निकला हूँ घर से यार। ये हालात हैं बाहर के इस टाइम, महीने के बाद मैं तो खेल रहा हूँ, तीन महीने के बाद जाके दोबारा से तो ले ग्राउंड में पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। लो जी, हम लोग ग्राउंड में पहुंच गए हैं, यहाँ पे क्रिकेट का मैच होता है। इधर ना बॉल पकड़ने के काम भी करने पड़ते हैं। नहीं है, नहीं है, नहीं है, आवाज नहीं आई है।
यहाँ पे भी हम आए हैं, जूस शूस पियेंगे, मिल्क शेक पियेंगे। पैनिक यूनिवर्सिटी जो है उसका है ये सारा है, यहाँ से मिल्क शेक लेंगे और उसके बाद फिर जो है घर की तरफ रखेंगे। हालत बहुत टाइट है भाई। ये मिल्क शेक आ गया हमारा बेहतरीन ज़बरदस्त। होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फायदा ही होगा कि कोई भी वीडियो मेरी आएगी, कोई भी व्लॉग मेरा आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू कैन वॉच माई वीडियो इजीली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।